आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रसालत और नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया लेकिन मुबशरात बाकी हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, कई हदीसें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसालत ख़त्म हो गई, नबूवत ख़त्म हो गई, लेकिन मुबशरात बाकी हैं। और बाज़ रवायतों में कहा गया कि ख़्वाब ये नबूवत का 45वां या 47वां या अलग अलग अल्फाज हैं कि उनका एक हिस्सा है, और उसी को मुबशरात कहा गया, यानी ख़्वाब की शक्ल में कुछ चीज़ें दी जाती हैं। तो ये इसका मतलब क्या, इस हदीस की तशरीह पूछना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि नबूवत में क्या चीज़ होती है कि अल्लाह की तरफ से बहुत सारी चीज़ें नबी को अता की जाती हैं, जैसे शरीयत की बात बताई जाती है, जन्नत की बात बताई जाती है, जहन्नम की बात बताई जाती है, अच्छे और बुरे का बदला क्या होगा वो बताया जाता है, माजी की बातें बताई जाती हैं, मुस्तकबिल की बातें बताई जाती हैं, हाल की बातें बताई जाती हैं, दीन का मसला बताया जाता है, आखिरत का मसला बताया जाता है, दुनिया का मसला बताया जाता है। एक नबी को बहुत कुछ बताया जाता है, तो उसका एक जो सोर्स होता है जानने का, बहुत सारे सोर्स होते हैं, उनमें से एक है ख्वाब। यानी ख्वाब के ज़रिए भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी चीज़ें, दीन की बातें बताई जाती हैं, और नबी का ख्वाब सच्चा होता है। तो ये नबूवत का एक पार्ट है। ख्वाब क्या है? ये नबूवत का एक पार्ट है, यानी नबी की जो खूबियाँ होती हैं उसमें से एक खूबी होती है कि नबी का ख्वाब सच्चा होता है। तो आज हम फरमाते हैं कि नबूवत ख़त्म है, रिसालत ख़त्म है, लेकिन मुबशरात बाकी हैं, और दूसरी हदीसों की रोशनी में उसका इशारा ख्वाब की तरफ है कि दूसरा कोई बंदा नबी नहीं हो सकता लेकिन वो सच्चा ख्वाब देख सकता है। तो जब सच्चा ख्वाब देख लिया तो नबी के साथ जो एक सोर्स था कुछ जानने का फ्यूचर के बारे में ख्वाब, वो एक आम बंदे के पास भी वो सोर्स है। दोनों में फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन एक सोर्स है एक बंदे के पास कि ख्वाब में वो कोई बात जान सकता है। फ़र्क ये है कि अल्लाह के नबी का हर ख्वाब सच्चा होता है, आप सल्लम का या किसी भी नबी का जो ख्वाब होता है वो गलत नहीं हो सकता, हर ख्वाब सच्चा होता है, हर ख्वाब सही होता है, हर ख्वाब बामकसद होता है। लेकिन गैर नबी का जो ख्वाब होता है, ज़रूरी नहीं कि वो सच्चा हो, ज़रूरी नहीं कि वो सही, वो तरह तरह के ख्वाब देखता है, लेकिन उन ख्वाबों में कभी वो सही बात भी देख सकता है, कोई अच्छी बात भी देख सकता है, मुस्तकबिल के बारे में कोई इशारा भी उसको दिया जा सकता है। तो ये मुराद है इस हदीस का कि नबूवत तो ख़त्म हो गई, रिसालत भी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी नबूवत और रिसालत से जुड़ी हुई जो एक चीज़ होती है, यानी फ्यूचर की बात जानने या गैब की बात जानने का जो एक ज़रिया होता, सोर्स होता ख्वाब, ये सोर्स एक आम आदमी के पास भी है। फ़र्क ये है कि नबी जब ख्वाब देखता है तो वो ख्वाब गलत नहीं होता है, लेकिन आम आदमी जब ख्वाब देखता है तो ख्वाब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। बल्कि सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक बंदा जो ख्वाब देखता है वो तीन वजह से देखता है। एक क्या है? हदीसुन नफ्स, यानी दिल के जो ख्यालात होते हैं वो ख्वाब की शक्ल में आ जाते हैं, और दूसरा तख्वीफ़ शैतान, शैतान डराता है, डरावने ख्वाब शैतान की तरफ होते हैं, और तीसरा बुशरा मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से बशारत, अल्लाह की तरफ से बशारत। तो ये जो तीन तरह के ख्वाब होते हैं आम बंदों के, उनमें से जो एक किस्म है बुशरा मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से बशारत होती, तो उसी को कहा गया है कि ये मुबशरात जो है ये बाकी हैं, यानी बशारतें मिल सकती हैं ख्वाब के ज़रिए आने वाले लोगों को भी, ये सिलसिला बाकी रहेगा। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।